छत्तीसगढ़ में एससी एसटी के अधिकार पर सब रोड डाल रहे हैं डाका। फर्जी एससी एसटी जात प्रमाण पत्र बनवाकर अफसर विधायक मंत्री सीएम बन रहे सब रोड। 67 जात प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी। फर्जी दलित आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ रायपुर में 5 दिनों से धरना दे रहे बहुजन युवा कार्रवाई की कर रहे मांग। फर्जी जात प्रमाण पत्र से कोई बना विधायक, कोई बना सीएम, कोई बना अधिकारी। फेक एससी एसटी सर्टिफिकेट के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं सबरण। हाथों में तख्तियां, तख्तियां में बहुजन समाज के महापुरुषों का तस्वीर। फर्जी जात प्रमाण पत्र के सहारे बहुजन युवाओं के अधिकार पर डाल रहे हैं डाका सबरण। इसीलिए अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे बहुजन युवा। 45 डिग्री टेम्परेचर में एक तरफ सूरज आग उगल रहा, वही अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे युवा बिना कुछ खाए पानी के सहारे। सभी युवा एससी एसटी समुदाय से मांग कर रहे हैं कि फर्जी जात प्रमाण पत्र वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए एवं उनके परिजन अगर कहीं जाति प्रमाण पत्र बनवा के अनुचित लाभ ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सेवा में आने के पश्चात जो भी उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है उनकी भी राजसात होनी चाहिए। और इस मांग को लेकर हमारे यहाँ उपस्थित 6 साथियों के द्वारा आमरण किया जा रहा है। आज तीसरा रोज है। शासन प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने वाला नहीं है और यह लोकतंत्र की हत्या है। और यह मांग सिर्फ हमारी नहीं है, यह शासन एवं उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति ने उन 267 व्यक्तियों की जाति प्रमाण पत्र को जांच करते हुए असत्य पाया है और हम उसी छानबीन समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई चाह रहे हैं। 25/11/2020 को मंत्रालय के सचिव जी के द्वारा डीडी सिंह जिनका नाम है उनके द्वारा एक नोटिस पब्लिश किया गया था जिसमें 267 लोगों का नाम लिखा गया था, जाति लिखी गई थी और उनका पोस्ट लिखा गया था और उनका विभाग लिखा गया था और उनको ये बताया गया था कि ये छत्तीसगढ़ में 267 लोग जो हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी सेवा दे रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ भर में। तो हम लोग का मांग यही है कि उनके ऊपर पूर्ण कार्रवाई हो और उनको पद से बर्खास्तगी कराई जाए। आमरण अनशन कर रहे युवा कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय समिति की गठन हो, फर्जी आदिवासियों दलित के खिलाफ कार्रवाई हो, नौकरी से बर्खास्त की जाए, उनकी रिकवरी की जाए, दोबारा कोई फर्जी जात प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ना कर सके। समाचार भारत के पास उच्च स्तरीय जांच कमेटी रायपुर की कॉपी है जो 2020 में जांच के दौरान 267 लोगों की फर्जी जात प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करते हुए पकड़े गए थे। जानकारी के मुताबिक 20 सालों में छानबीन समिति को 758 प्रकरण मिले, 661 प्रकरण की जांच हुई, 267 मामले में फर्जी जात प्रमाण पत्र की बात साबित हुई थी। इसके बाद छानबीन समिति सभी फर्जी जात प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों की सूची सभी विभाग के मंत्रालय के अधिकारियों को दे दिया गया था और कहा गया कि जिन मामलों में कोर्ट का स्टे नहीं है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और वसूली की जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आखिर इन फर्जी जात प्रमाण पत्र वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, आखिर इतना मेहरबान क्यों है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम दलित आदिवासियों के लिए हमदर्दी जताती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारों पर डाका डलवाने का काम कर रही है। ऐसे में जो सवर्ण आरक्षण को लेकर दलित आदिवासियों को आरक्षण को लेकर छीटा कसी करते हैं, वहीं सवर्ण दलित प्रमाण पत्र बनवाकर उनके आरक्षण पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क समाचार भारत के लिए।